औरत को चाहिए कि वो बच्चे के लिए अपने आप को तैयार करे, इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि पहले वो जो एम्प्टी कैलोरीज कंज्यूम कर रही है, लेट गो ऑफ देम। जब आपका बच्चा, यानी कि वो जो जंक खा रही है पहले वो छोड़े। एब्सोल्युटली, जब आपका बच्चा जब फीटस यूट्रस में होता है वो उसी टाइम गजाइयत को कंज्यूम करना शुरू कर देता है। बहुत सारे बच्चों के लो बर्थ वेट की रीजन आपके पास ये है, ये भी मेल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है कि जो माएँ हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम में प्रॉपर खाना कंज्यूम नहीं कर रही थी। आपका बच्चा 2.5 kg से कम में पैदा हुआ है, लो बर्थ वेट में पैदा हुआ है, वो ससेप्टेबल है अब मेल न्यूट्रिशन को। आप जिम्मेदार हैं यहाँ पर अपने बच्चे की प्रॉब्लम की। माँ को उस वक्त क्या नहीं खाना चाहिए, प्रिपेयर कर लिए क्या नहीं खाना अच्छा चाहिए? कुतुब साहब, ये ट्राइमेस्टर टू ट्राइमेस्टर वेरी करता है। पहले 3 महीने जैसा आपका पहला ट्राइमेस्टर होता है, अब उसमें बहुत सारी ऐसी अच्छी गजाएं हैं जो मन है, जैसे अदरक मन है आपके पास, आड़ू मन है, वो हीट प्रोड्यूस करता है बॉडी में, पाइनएप्पल आपके पास मन है, बैंगन आपके पास मन है, एब्सोल्युटली। लेकिन अब आपके 5वें महीने में खा सकते हैं, आप 6वें महीने में खा सकते हैं। इट वेरीज फ्रॉम ट्राइमेस्टर टू ट्राइमेस्टर। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज देन खुदा ना खासा यू आर ससेप्टेबल टू अबॉर्शन एज वेल एंड अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। फिर जब हम लास्ट ट्राइमेस्टर में पहुंचते हैं, हम बहुत सारी ऐसी देते हैं जिनको हम इनिशियली गर्म कहते हैं, क्योंकि हम आखिर में लेबर को आसान करना चाहते हैं, हम आखिर में जो है बच्चे को वो न्यूट्रिएंट्स देना चाहते हैं जो हम शुरू में नहीं देना चाहते, आखिर में हम कुछ सप्लीमेंट्स भी देना चाहते हैं जो हम शुरू में नहीं देना चाहते। शुरू में ये मुझसे, मैं सॉरी ये बात करना चाहूंगी, बहुत सारी खवातीन अक्सर फोन पर कहती है कौन से सप्लीमेंट्स दें। पहले 3 महीने आपने कोई सप्लीमेंट नहीं लेना सिवाय फॉलिक एसिड के। उसकी रीजन ये है कि फॉलिक एसिड विटामिन B9 बच्चे का न्यूरल ट्यूब बनाता है। अगर फॉलिक एसिड आपके पास बॉडी में कम होगा, बच्चे का न्यूरल ट्यूब नहीं बनेगा। सिर्फ फॉलिक एसिड लें और कुछ मत लें।